हाय एवरीवन, मैं प्रियंका और आज आपके लिए लेकर आए हैं, देखिए ये मंकी कैप। इस तरीके से देखिए हेलमेट हैटा, इसको मोस्टली बोला जाता है, मंकी कैप भी बोला जाता है। ये देखिए, तो मंकी कैप में क्या होता है, हमारा जो फेस का पोर्शन होता है ये हमारा ओपन होता है और ये पहनने में बहुत ही आसान रहता है। बच्चों के लिए बेसिकली बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि उनके कान बंद रहते हैं, गला कवर रहता है और सर भी कवर रहता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसको ये बनाया हुआ, ये एक सैम्पल है। तो ये जो हैट है ये 3 से 5 साल के 6 साल के बच्चों को ईजिली फिट हो जाएगा। इसका जो टोटल लेंथ है, ये देखिए इसका जो टोटल लेंथ है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक अराउंड 11.5 इंच है टोटल। आप ये वाला लेंथ भी बढ़ा सकते हैं और अगर आप चाहें थोड़ा बड़ा बनाना तो जहाँ से हम फंदे कम करते हैं यहाँ से हम ऊपर थोड़ा और बन सकते हैं। तो यहाँ से देखिए जो मैंने फंदे कम किए हैं यहाँ से यहाँ तक मेरा ये 6.5 इंच है लेंथ पूरा, ये 6.5 इंच का आएगा। तो चलिए इसको हम बना लेते हैं। और इससे पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको वीडियोस के नए नए नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए इसको हम ट्राई करते हैं। तो देखिए इस मंकी कैप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 3 कलर लिए हुए हैं। आप चाहें तो आप सिंगल कलर में भी बना सकते हैं या फिर आपकी जो बची बचाई कोई भी ऊन हो आप उसको यूज़ करके कलरफुल बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए 3 कलर लिए हैं। ये मेरे 4 प्लाई यार्न हैं और इस यार्न के साथ में मैं यहाँ पर ये 3 mm मीन्स 10 नंबर की ये देखिए सलाई यूज़ करूँगी। ये देखिए, और मैंने यहाँ पर ये थोड़ा सा पैटर्न बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये 2 मार्कर लगा के रखे हुए हैं। 114 फंदे हैं तो हम जब इसको 3 में डिवाइड करेंगे तो 38 38 38, तो इस तरीके से होगा। यहाँ पर देखिए ये जो थ्रेड अटैच है ये मेरा यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है इस वाले निडल से। ये 38 फंदे हैं मार्कर से पहले तक, इसके बाद में मार्कर से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 38 हैं और यहाँ से लास्ट तक ये भी 38 हैं। तो अब देखिए हमें करना क्या है, अब इसके बाद में इतना बनाने के बाद में नेक में आपको जितना रखना है उतना आप अपने हिसाब से बनाइए। इतना बनाने के बाद में हम यहाँ से ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये हमारा सेंटर में आएगा। ये जो मार्कर के बीच में जो भी फंदे हैं ये हमारा फेस के लिए हैं, जो हमारे फेस की ओपनिंग बनेंगे। तो ये जो 38 फंदे हैं इनको हम सबसे पहले यहाँ पर जैसा जैसा आप बुन रहे हैं, अगर आप कोई डिज़ाइन डालना चाह रहे हैं तो आप डिज़ाइन के साथ में बुनिए। मैंने यहाँ पर ये देखिए 2 सीधे 2 उल्टे का पैटर्न बनाया है तो मैं इसी को फॉलो करते हुए इसी सेम कलर से, जो भी कलर आप यहाँ पे अगर चेंज करना है तो कर लीजिए, मैं इसी कलर से यहाँ तक ये 38 फंदे सीधे बुन दूँगी। देखिए इस तरीके से सीधे मींस जो जैसे फंदे हैं दो, जो भी आपका पैटर्न है उस तरीके से। तो देखिए 2 सीधे मैंने बनाए, फिर 2 उल्टे बुने थ्रेड पीछे करके, फिर से 2 सीधे ये देखिए और 2 उल्टे बनाते हुए हम यहाँ पर टोटल 38 फंदे मींस मार्कर से पहले तक के जो भी फंदे हैं उसको हम बना लेंगे। तो ये देखिए मार्कर से पहले 2 फंदे इनको हम सीधा यहाँ पे सीधे हैं तो सीधा बुन दिया। ये देखिए इस तरीके से हमने बना लिया मार्कर से पहले तक के फंदे। अब मार्कर को आप यहाँ पर आप चाहें तो निकाल दीजिए या फिर आप इसमें ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर इसको निकाल देती हूँ क्योंकि ये जस्ट आपको बताने के लिए थे कि फंदे मैंने कैसे कैसे डिवाइड किए। यहाँ पर देखिए अब हम यहाँ पे ये जो 38 फंदे हैं इनको हमें बंद करना है। तो देखिए कैसे बंद करना है, इस तरीके से निडल डालेंगे, इस फंदे को सीधा बुनेंगे, ठीक है, आप दूसरे फंदे को भी सीधा बुनेंगे और जो फंदा हमने पहले बुना था उसको इस तरह से देखिए इसके ऊपर से निकाल देंगे ऐसे। देखिए ये फंदा यहाँ पर एक कम हो गया, सेम दूसरा फंदा बुना उसके ऊपर से दूसरे पहले फंदे को निकाल दिया। अब देखिए एक फंदा यहाँ पे बना, फिर एक बुना, फिर से यहाँ पर हम इसको उतार देंगे। तो इस तरीके से देखिए एक फंदा बुनिए, दूसरे को उसके ऊपर से निकाल दीजिए। तो इस तरीके से करते हुए आपको जो भी सेंटर के फंदे आप जितना भी पैटर्न में आप रखना चाहते हैं उतना लीजिए, उनको यहाँ से आप ऐसे कम कर दीजिए। देखिए बंद करते हुए हम जाएंगे लास्ट तक, ये जो 38 फंदे हैं यहाँ तक। तो देखिए मार्कर से जस्ट एक फंदा ही पहले है, इसको भी हमने ऐसे उतार के ये देखिए बुन दिया। अब यहाँ से इसको हटा दीजिए।
तो अब देखिए अभी तक हमने यहाँ पर ये 37 हमारे हुए हैं, और ये जो फंदा है इसको भी हमें कम करना, तभी हमारे 38 होंगे। तो इसके लिए भी हम यहाँ से एक फंदा ये देखिए इस तरह से बुनेंगे और इसको उसके ऊपर से निकाल देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर यहाँ से लेके अब जो आपका स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट था, मींस यहाँ से ये देखिए मैंने बनाना शुरू किया था, तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था 38 फंदे। अब आपको यहाँ पर फिर से ये देखिए यहाँ पे फिर से जैसा जो पैटर्न है वैसा ही बनाते हुए जाना है। तो देखिए मैंने यहाँ से लास्ट तक बुन लिया है, और ये यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट था। तो ये 38 हैं और ये 38 हैं, तो इनको अब हम क्या करेंगे, अगर आप थोड़ा ज़्यादा ओपनिंग चाहते हैं, देखिए ये अभी ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर ये इसको इस तरीके से, आपको देखिए समझ नहीं आ रहा होगा यहाँ पे, तो ये जो हमने अभी बंद किए थे, अगर हम यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ओपन करना चाहते हैं, मीन्स थोड़ा फेस हमारा टाइट ना फील करे, तो उसके लिए हम यहाँ से ये हमने देखिए बंद करते हुए, हम यहाँ से हमने बंद करते हुए आए थे, और ये लास्ट में हमने ख़त्म किया है यहाँ पर ये। तो यहाँ से यहाँ तक ये एक आपका राउंड कंप्लीट हो जाएगा। बैक हम फिर से इधर आएंगे, तो मींस हम टोटल ये आप इसको आप एज ए रो वन काउंट कर लीजिए, 1 2 3 इतना हम इसको बना लेंगे। एक राउंड इधर से ही कंप्लीट कर लेंगे, फिर वापस से एक राउंड पूरा बनाएंगे, फिर बैक साइड आएंगे, फिर से इतना बनाएंगे। तो इसको आप मींस 1 2 दो सलाइयाँ आप इसको कंप्लीट होने के बाद में दो सलाइयाँ और आप इसको बुन दीजिए, तो आपका ये पैटर्न थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा। तो देखिए अभी तक हमने अपने पैटर्न की दो लाइंस बना लिए हैं, ये देखिए दो लाइंस कौन सी, मैं आपको फिर से बता रही हूँ। ये देखिए यहाँ से ये फंदे हम बंद करते हुए गए थे, वापस से आए थे, एक ये राउंड वापस से आए, बैगेन और ये, तो ये देखिए जो दो बाद में लाइन हमने बनाई थी पैटर्न को कंप्लीट करते हुए यहाँ तक गए थे उसको नहीं काउंट करेंगे। उसके बाद में एक ऐसे और एक ऐसे, ये दो लाइनें बनाने के बाद में आप यहाँ पे दो लाइन और मीन्स टोटल चार लाइन बना सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो ये वाला पोर्शन बनता है तो ये ओपनिंग ज़्यादा अच्छा, जनरली हम जब बच्चों को पहनाते हैं तो यहाँ पर एकदम स्टक कर जाते हैं, गाल उनके बिल्कुल गोल गोल हो जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं होगी। तो इस तरीके से देखिए ये अभी हम यहाँ पर हैं, ये देखिए ये थ्रेड हमारा इस तरीके से, इसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे, जो आप अगर डबल पॉइंटेड नीडल्स भी होंगी तो आपकी ये कुछ इस तरह से देखिए दिख रही होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फंदे बढ़ाएंगे, फंदे आप इस तरीके से भी बढ़ा सकते हैं, ऐसे ऐसे जो बनाते हैं ऐसे भी बढ़ा सकते हैं। टोटल हमें 38 फंदे बनाने हैं जितने हमने यहाँ पर ये बंद किए हैं। तो पर हम यहाँ पर इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्ट्रिंग बाद में मीन्स धागा बच जाता है। तो देखिए इसको हमें कैसे बनाना है, बहुत ही आसान है। तो ये देखिए थ्रेड हमारा ये बैक साइड में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो देखिए थ्रेड हमारा ये बैक साइड में है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, ये जो दो फंदे पहले दो फंदे हैं इनके बीच में हम ऐसे निडल डालेंगे, निडल डालने के बाद में थ्रेड को नीचे से इसके ऊपर ऐसे लाएंगे, और यहाँ पर इस थ्रेड को आप अपने इस फिंगर से या ऐसे होल्ड कर लीजिए, और इसको यहाँ पर हम देखिए निकालेंगे ऐसे, ये देखिए निकाला, ये निकाला हमने फंदा, और इसको इस नेडल पे हम ऐसे चढ़ा देंगे। देखिए इस तरीके से हमने चढ़ा दिया, चढ़ाने से पहले हमें क्या करना, अगर हम यहाँ पर अभी इसको खींच देंगे तो यहाँ पर ये बहुत टाइट हो जाएगा, यहाँ पे क्या आप जितने भी फंदे बनाएंगे बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें इन दो फंदों के बीच से ही हमें एक फंदा बनाना होता है, तो बेस्ट है कि हम यहाँ पर पहले से ही एक नेडल को इस तरीके से इंसर्ट कर दें, और जो आपका थ्रेड है ये देखिए ये, इसको आप यहाँ पर अप टाइटली आप पुल करके फिर से इसके ऊपर एक लूप ऐसे चढ़ाएं, और यहाँ पर हम इसको ऐसे निकाल दें, ये देखिए निकल आया। अगेन इसको आप इस तरीके से आप चढ़ा लीजिए, बट पुल नहीं कीजिए, फिर से ये अभी तक देखिए दो फंदे बढ़ा लिए हैं, अब ये फंदा और ये फंदा इन दोनों के बीच में हम फिर से निडल डालेंगे, ये देखिए निडल को डाला, अब यहाँ पे इसको आप टाइट कर लीजिए, और ये देखिए इस तरीके से आप इसको होल्ड करके, अगर आप लेफ्ट राइट टू लेफ्ट बना रहे हैं तो आपका ये इस तरीके से बनेगा, अदरवाइज़ आप दूसरी तरफ से बनाएंगे तो वो भी बहुत ही ईजीली बन जाता है। तो इस तरीके से देखिए अभी हमने 1 2 3 फंदे अभी हमने टोटल बढ़ाए हैं, ये देखिए। तो ऐसे ही करते हुए हम टोटल फिर से बना लेंगे कितने 38 फंदे। तो देखिए ये हमने पूरे 38 फंदे यहाँ पर हमने बढ़ा लिए हैं,
अब हमें क्या करना है, ये देखिए पैटर्न, अब हमारा हम राइट टू लेफ्ट अब हम बुन रहे हैं, मींस ये फंदे बढ़ाने के बाद में जैसे हमने कम किए थे सेम उसी फैशन में जाते हुए 38 फंदे, ये 38 फंदे, मींस टोटल अब हम इनको भी बुनेंगे। तो जो पैटर्न आप अगर यहाँ पर कुछ डिज़ाइन डालना चाहते हैं तो आप उसको डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो पैटर्न आप बनाते हैं तो आप उसको देखिए, मैं इसको ऐसे ही यहाँ पे देखिए मेरे दो सीधे थे तो इसको मैं यहाँ पर पहला फंदा हम टाइट काफ़ी टाइट कर लेंगे इस तरीके से, इसके बाद में हम बुनेंगे। तो ये देखिए ये हमने इस तरीके से बुना, ये देखिए, तो इस तरीके से अब हम टोटल बनाते जाएंगे, बीच में हम कलर भी चेंज करेंगे, लेकिन पहले हमें यहाँ पर अब कलर थोड़ा सा इसी कलर से हम इसमें बना लेंगे, इसके बाद में हम कलर चेंज करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ राउंड बनाकर ब्लैक कलर से दिखाती हूँ, जब यहाँ पर आऊँगे तो इसको भी आपको दिखाती हूँ कि इसको कैसे बनाते हैं। तो देखिए ये राउंड कंप्लीट करते हुए हम आ रहे हैं, अभी कुछ फंदे बचे हैं, अब ये देखिए यहाँ पर इसको कैसे बनाना है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखें मेरे पास यहाँ पर ये दो उल्टे हैं जो कि मेरे पैटर्न के हैं, आप अपने पैटर्न को ही फॉलो कीजिएगा जो भी आप डालें। तो देखिए इस तरीके से दो मैंने फंदे उल्टे बना लिए, यहाँ पर ये दो उल्टे थे नीचे से बनते चले आ रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पर भी दो सीधे फंदे हैं, तो एक तो सीधा फंदा हमने ये बुना, अगेन फिर से यहाँ पर ये सीधा फंदा हम बैक लूप से बुनेंगे जिससे कि यहाँ पर ये एकदम टाइट हो जाए। ये देखिए इस तरह से इसको हमने बुना, फिर धागा आगे लाइए। अब यहाँ पर ये जो फंदे आपके दिख रहे हैं, तो देखिए दो सीधे दो उल्टे का मेरा पैटर्न था, तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये दो सीधे फंदे बुन दिए हैं, अब यहाँ पर हम दो उल्टे फंदे बुनेंगे। तो ये देखिए ऐसे इस तरीके से दो उल्टे फंदे बुने, फिर से दो सीधे फंदे बुनेंगे। ये जब हम फंदे डालते हैं ये थोड़े टर्न होते हैं, तो पहली रो में हमें बैक लूप से ही सभी फंदे बनाने होते हैं, इसके बाद में जब भी आप फंदे बनाएंगे वो आप हमेशा आप फ्रंट लूप से ही फंदे बुनाएंगे। ये देखिए तो इस तरीके से हम दो सीधे दो उल्टे का पैटर्न फॉलो करते हुए बुन देंगे, और इतना बुनने के बाद में ये मैं आपका जो बेसिक यहाँ पर आइडिया दे रही हूँ, इतना बुनने के बाद में आपका ये जो कैप होगा वो टोटल कैप यहाँ पे जो ईयर से यहाँ पे यहाँ से जो शुरू होगा यहाँ से ऊपर तक का अराउंड 6.5 से 7 इंच होना चाहिए। तो ऐसे हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक पूरा राउंड, यहाँ पर मैं आपको पूरा लास्ट तक करके दिखा देती हूँ। देखिए लास्ट में आप यहाँ पर मेरे पास ये दो सीधे फंदे आएंगे, तो देखिए इसको ऐसे ये देखिए सीधे फंदे हमने बुन दिए यहाँ पर, ये देखिए, और यहाँ पर अब ये दो उल्टे फंदे आएंगे जो कि हमारा पैटर्न चल रहा है उसी का, तो इन दोनों को हम उल्टा बुन देंगे। इसका देखिए ये फ्रंट फेस है तो इसको हमने ऐसे ही बुना। अब ये देखिए यहाँ पर बहुत छोटा सा ये स्ट्रिंग आया है, धागा पीछे ले जाइए और इसको अब हम बैक लूप से यहाँ पर ये देखिए सीधा बुन देंगे, तो इससे क्या होगा ये स्ट्रिंग यहाँ पर दब जाएगा और ये देखिए, तो ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से आपका बन जाएगा। तो बाकी का पैटर्न हम कंटिन्यू करेंगे, बीच बीच में कलर चेंज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर ब्लैक कलर की कुछ रोज़ बना लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने ये 8 सलाइयाँ इसकी बना ली हैं, ये वाली यहाँ पर ये चीज़ आप देखिए। यहाँ पर हम करेंगे कलर चेंज, तो उसके लिए देखिए ये हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट था, तो यहाँ पर अब हम इसको देखिए कलर चेंज करेंगे। तो पहला राउंड देखिए रुकिए बताने, देखिए यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये देखिए एकदम क्लीन है, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर आपको यहाँ पे ये ब्लैक के ऊपर ऑरेंज कलर नहीं आ रहा है जो कि जनरली इस तरह से आता है, ये चीज़ यहाँ पर नहीं है। तो इसको देखिए कैसे बनाते हैं, ये इसका एक ट्रिक है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हम अभी वाइट कलर अटैच करेंगे, तो देखिए इस ब्लैक कलर को आप यहीं पे छोड़ दीजिए क्योंकि हम इसको ऊपर भी बाद में कैरी करेंगे। तो ये देखिए पहला फंदा हम ये देखिए वाइट कलर में यहाँ पर अटैच कर रही हूँ, तो ये देखिए इसको ऐसे बुना यहाँ पे, और ये इसको यहाँ पर आप इसको टाइट कर दीजिए
ये देखिए। और अब हम बाकी के इस पूरे ही राउंड में हम सभी फंदे जो हैं इनको हम वाइट कलर से ही बुनते हुए कंप्लीट करेंगे पूरा राउंड। तो यही जो पूरा राउंड पहला राउंड हम बनाते हैं यही आपको हेल्प करता है कि यहाँ पर ये आइज नहीं बनने देता है, जैसे ब्लैक में ये देखिए एक ऐसे जाएगा। अदरवाइज़ हम अगर फ्रंट से बुनते तो ये आपको उल्टे फंदे जो भी होते हैं उनमें आपको ये इस तरह का आइज नज़र आता, जो कि इसमें नहीं आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो पूरा राउंड हम इसको वाइट बना लेते हैं। तो देखिए हम लास्ट में पहुँचने वाले हैं, ये दो फंदे इन दोनों को ही देखिए हम वाइट से बुन देंगे। और ये जो यार्न अटैच है इसको हम यहाँ पर टाइट थोड़ा कर देंगे, टाइटली आप इसको इस तरीके से यहाँ पे पकड़ लीजिए ऐसे। ये देखिए ऐसे हमने पकड़ लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पहला फंदा जो है ये हमारा वाइट है, तो अगर हमने इसको ऐसे ही बुन दिया, मतलब बुन के पूरा, देखिए हम जब इसको आएंगे वापस से मैं यहाँ पे फिर से मतलब सेकेंड राउंड बनाएंगे, तो क्या होगा, एक कलर आपका नीचे जाएगा एक कलर आपका ऊपर जाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो उससे बचने के लिए देखिए हमें क्या करना है, हम पहला ये जो फंदा है इसको आप एक नीचे से मींस एक रो जो ये देखिए ये जो काला वाला फंदा है उसमें जाकर बुन देंगे ऐसे। ये देखिए इसको ऐसे बुन दिया और आप देखिए यहाँ पर ये अटैच था, इसको हम यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। ये देखिए और बाकी के आप देखिए यहाँ पर ये सीधा फंदा है इसको, ये देखिए सॉरी ये उल्टा फंदा है, यहाँ पर इसको उल्टा बुन दिया। और उससे पहले हमें ये काला वाला यार्न जो है इसको हमने होल्ड करके रखा था इसको इस तरीके से लपेट लेना है, ताकि हमें ऊपर भी ज़रूरत पड़ेगी तो बार बार हमें अटैच ना करना पड़े, तो इसलिए हम इसको भी यहाँ पर इस तरीके से ले लेंगे। अब देखिए धागा के लाइए एक फंदा यहाँ पर, ये देखिए हमें उल्टा दिख रहा है यहाँ पे उल्टा, दो फंदे, अब दो फंदे यहाँ पर ये सीधे हैं। अब आप अपना वही पैटर्न फॉलो कर लीजिए जो आपका पैटर्न है सीधे उल्टे फंदे का, या फिर आपने जो भी बना रखा हो, ये देखिए ऐसे। तो ये देखिए हमने उल्टे फंदे में बनाया, तो यहाँ पर ये इस तरीके से बना। अगर नहीं बनाते हम एक राउंड पूरा सीधा तो आपको ये बैक साइड से ये मीन्स फ्रंट साइड से आपको ये इस तरह से नज़र आते आइज, जो कि इतना अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये देखिए बस यही ट्रिक था इसमें। और ब्लैक वाला यार्न पुल करने का रीज़न क्या था कि यहाँ पे आपका गैप नहीं बनता, तो इसने हमने जब इसको इस तरीके से पुल करके हमने यहाँ पर बुना तो ये यहाँ पर गैप क्लोज हो गया। तो बस इसी को फॉलो करेंगे। देखिए हमने मैंने यहाँ पर ये चार लाइन वाइट, फिर चार लाइन ब्लैक, फिर चार, इस तरीके से ये मैंने पूरा फॉलो करते हुए जाएंगे। जब भी आप कलर चेंज करेंगे तो आपको पहली रो चाहे कोई भी कलर आप बनाएं उसकी पहली रो हमेशा सीधी ही बनाएंगे, और बस इसी तरीके से आप बनाते हुए जाइए। तो देखिए हमने अभी यहाँ तक ये बना के रखा हुआ है, तो यहाँ से ये देखिए हमने फंदे जो कम किए थे, तो यहाँ से और ये जितना हमने ऊपर बनाया है ये हमारा यहाँ पर देखिए मैंने इसको पॉइंट किया हुआ है, और यहाँ तक ये 6 इंच है। इसके बाद में इतना बनाने के बाद में अब हम यहाँ पर ये दो का एक करते हुए हम इसको बंद करेंगे। तो सबसे पहले राउंड में हम क्या करेंगे, जो ये सीधे फंदे मेरे पैटर्न में ये जो सीधे फंदे हैं इनको हम दो का एक करेंगे। सेकेंड राउंड में जब हम बनाएंगे तो ये जो दो उल्टे फंदे हैं इनको दो का एक करेंगे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए मैं ऑरेंज कलर अपना ड्रॉप करूँगी और यहाँ पर मैं ब्लैक कलर इसको लगाऊँगी। तो पहले तो मैं ब्लैक कलर यहाँ पर अटैच कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम एक कलर अटैच कर रहे हैं ऐसे। तो पहला राउंड हम सभी फंदे यहाँ पर सीधे ही बुनेंगे। ये देखिए अब सीधे मींस जो भी फंदे आपके लिए दो सीधे, जैसे मेरे पैटर्न में दो सीधे फंदे हैं तो इनको मैं दो का एक करते हुए सीधा ही बुनूंगी देखिए। और बाकी जो उल्टे फंदे हैं उनको तो हम सीधा बुनेंगे ही, लेकिन इनको भी हम सीधा, अब ये देखिए दो उल्टे फंदे दिख रहे हैं इनको भी यहाँ पर मैं सीधा ही बुनूंगी। अगेन ये देखिए दो फंदे सीधे हैं इनको दो का एक किया। इसके बाद में उल्टे फंदे दिख रहे हैं इनको भी
सीधा बनाएंगे। तो इस राउंड में मैं जो भी सीधे फंदे हैं उनको दो का एक करते हुए बुनूंगी और जो उल्टे फंदे हैं उनको एज इट इज़ सीधा बनाकर दो फंदे दो के दो बनाऊंगी। तो इस तरीके से हम ये पूरा कंप्लीट कर लेने वाला राउंड। तो देखिए ये वाला राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब सेकेंड राउंड में हम क्या करेंगे, ये जो पहला फंदा है इसको हम नीचे से जाके बुनेंगे ताकि जो हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जब भी रो वन में हमने कलर चेंज किया उसके बाद में जब हम सेकंड रो बनाते हैं तो पहला जो फंदा होता है वो हम जस्ट एक फंदा नीचे से देखिए ये वाला यहाँ से बुनते हैं। तो ऐसे क्या होता है, ये देखिए मैंने यहाँ पर ये सारा कलर चेंज करते हुए मैं आई हूँ यहाँ पर, ये तो आप देखते हैं पूरा ये एकदम इवन आया हुआ है। यहाँ पर आपको नहीं पता चल रहा है कि हमने ये हमारा अलग सा रो कहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो ये देखिए पूरा इवन लगता है। जब आप बहुत ध्यान से देखोगे तभी पता चलेगा। तो इसलिए हम पहले फंदे को हमेशा एक रो नीचे मीन्स एक फंदा नीचे से जाकर ही बुनेंगे ये इस तरह से, ताकि ये हमारा जो रो है स्ट्रिप है ये हमारा एक जैसा रहे। और इसके बाद में हम ये दोनों ही कलर जिनको मैंने कट करके रखा हुआ है इसको इस तरीके से फिंगर में लपेट कर पीछे टाइट कर लेंगे। तो अब देखिए हमें क्या करना है, तो पहले हमने क्या किया था, जो सीधे फंदे थे उनको दो का एक एक किया था, इस बार हम क्या करेंगे जो उल्टे फंदे थे उनको बुनेंगे हम। तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर इसको ऐसे बुना, अब ये देखिए एक सीधा फंदा है इसको भी ऐसे बुना सीधा। अब धागा आगे लाएंगे, अब ये जो दो उल्टे फंदे दिख रहे हैं यहाँ पर आप ये देखिए उल्टे वाली रो है, इस दोनों को आगे ला के धागा दो का एक कर देंगे। फिर धागा पीछे किया, एक फंदा सीधा बुना जो सीधा वाला एक किया था उसको, फिर धागा आगे लाइए, ये देखिए उल्टे फंदे वाली रो है दोनों, धागा आगे लाकर दो का एक ऐसे कर दिया पर्ल वाइज मीन्स और ऐसे। तो अब हम इनको ड्रॉप कर देंगे। अब यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर गैप क्रिएट नहीं होगा और जो भी थोड़ा बहुत होगा तो वो हम उसको बाद में सुई से सही कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए फिर धागा आगे लाएंगे, जो भी उल्टे फंदे हैं उनको दो का एक करेंगे पर्ल वाइज, सीधे फंदे ये वाला जो सीधा है इसको एज इट इज़ सीधा। तो ऐसा करते हुए हम ये वाली रो भी पूरी बुन देंगे लास्ट। तो देखिए ये हमने सेकंड राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम हर बार में दो 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 फंदे करते हुए हम इसको बुनते हुए जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर ये देखिए ये दो फंदे हैं और इसको हम सीधे तरफ से ऐसे बुन देंगे दो का एक करेंगे। अगेन ये देखिए दो फंदे हैं इनको भी सीधे ही दो का एक कर दीजिए, अगेन दो का एक, ऐसे ही करते हुए हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ये फंदे बंद करते हुए मेरे पास टोटल अभी 28 फंदे हैं। तो इनको मैं क्या करूँगी, एक बड़ा सा ये ब्लैक कलर का ही थ्रेड कट करके इसमें निडल डालकर सारे फंदे पिरोकर मैं इसको बांध दूँगी। तो मैं आपको दिखाऊँगी इसको। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये जो भी फंदे थे इन सबको निडल में डाल लिया है। अब इसको ऐसे कस करके कर देंगे, ऐसे कस टाइट कर देंगे इसको इस तरह से। काफ़ी टाइट आप इसको ऐसे करिए, ये देखिए ऐसे किया। और यहाँ पे हम जगह जगह इसको ऐसे सिल देंगे, ये देखिए इस तरह से, ताकि ये सिक्योर हो जाए और आपका ये खुले नहीं। ये देखिए इस तरह से, तो ऐसे ही हम पूरा टाइट कर लेंगे। और इसके बाद में जो भी यहाँ पे ये थ्रेड हैं इनको हम बाइंड कर लेंगे। पहले मैंने ये अलग अलग कट कर दिए थे, इसके बाद में मैंने पूरा कंटिन्यू किया है, वो मैं आपको दिखाऊंगी इसको मैंने कैसे किया है। तो ये यहाँ पर हम अच्छे से इसको टक कर लेंगे। इसके बाद में जो भी आपके यार्न्स हों उनको आप इसको कर लीजिए। तो ये देखिए ये मंकी कैप या फिर आप हेलमेट कैप, ये हमारा बनकर तैयार है। और ये देखिए इस तरह से आपको लगेगा, ये आपका फ्रंट फेस पे रहेगा, ये पूरा नेक कवर करेगा और ये यहाँ से आपका ये ईयर कवर करेगा, जो ये वाला पोर्शन है ये आपका ईयर कवर करने के लिए है। तो अब देखिए हमें क्या करना है, देखिए
ऐसे इसको रखेंगे तो ये आपको ऐसे दिखेगा, ये इस तरह से, ये देखिए ये इसका ओपनिंग है यहाँ पर, ये देखिए। तो मेन चीज़ जो इसमें है वो ये चीज़ है, ये देखिए हमने इसको पूरा कलर स्ट्रिप्स में, मीन्स धारियों में, अलग अलग कलर में यूज़ करते हुए हमने धारियाँ बनाई हैं इसकी। इसमें तो इसमें आप ध्यान देंगे कि जब हम गोलाई में बनाते हैं तो पूरा ये इस तरीके से बनाते हुए जाते हैं, पर एक पॉइंट वहाँ आता है जहाँ पर हमें कलर चेंज करना होता है। तो कलर चेंज करने के टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पर, वो मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊँगी। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जब हम कलर चेंज करते हैं तो पहली रो जब हम बना लेंगे, जैसा कि मैंने वीडियो में भी बताया है, जब पहली रो बना लेंगे, सेकेंड रो जब बनाने आएंगे तो जो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड शुरू होगा, उसमें जो पहला फंदा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ये पहली रो वाइट कलर से बनाई, दूसरी जो हम बनाएंगे तो जो पहली रो का वाइट कलर का फंदा होगा उसको हमें एक फंदा नीचे से जाकर बुन देना है। तो इस तरीके से बुनेंगे तो ये देखिए हमारे, हमने इस पॉइंट पे कलर चेंज करते हुए पूरा बनाया है। आप यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट आ रहा है ये वाला, तो इसमें हमने पूरा कलर चेंज किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो भी धारियाँ हमारी एकदम इवन बनती हुई आई हैं, ये देखिए इस तरह से। आपको, आप यहाँ से देखेंगे तो आपको कोई भी ऐसी धारी नहीं दिखेगी जो फिर अलग से लग रही हो, सभी एकदम गोल सीक्वेंस में नज़र आ रही हैं। तो इस तरीके से आप इसको बुनेंगे तो काफ़ी अच्छे से नीट एंड क्लीन दिखता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ये हमारा हैट बनकर तैयार है। तो ये जो हैट है हमारा, ये आपका 3 साल से 6 साल के बच्चों को ईजिली आ जाएगा। तो चलिए आप इसको ट्राई कीजिए। थैंक यू।